आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अमनदीप सिंह संधु, जिला अध्यक्ष बलकार सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला महासचिव जितेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष हरप्रीत सिंह, तहसील उपाध्यक्ष उत्तर उत्तम यादव, विवेक वर्मा, महेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार, वेद प्रकाश वर्मा, मुकेश कुमार वर्मा, सुखजीत सिंह, नेत्राम वर्मा, रिंकू और वर्षी आदि किसान मौजूद थे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। उसका पानी नाले में डिस्प्ले भी करते थे, लेकिन उसका कोई भी विकल्प नहीं है। आप उसकी ट्रायल कर लीजिए, हजारों किसानों के सामने बुला लीजिए, मैं भी बुला लेता हूँ, आप ट्रायल कर लीजिए, महीनों लग जाएंगे उसको समय में, किसान गेहूँ कैसे बोल पाएगा। आगे की जैसे आप पत्ती गन्ने की पत्ती ली है उसको भी करता है, तो वो लोग जब बहुत ज्यादा बीमारी होती है तो पत्ती कर दी है, पर वो कोई भी सोल्यूशन नहीं लीक हो जाए तो किसान का लीक हो जाएगा, लेकिन पहले का नहीं हो पाएगा। ये जो जमीनी स्तर से है हम लोगों ने सब गलत कर चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर से बना दिया गया है, जब तक आप लोगों को भी लीक मजर करा दो, ये करा दो, वो करा दो, उसका ये कोई भी परमानेंट हल नहीं है। इसका हल यही है कि जैसे धान का हो गया किसान बैठक मार दे, जैसे पंजाब वगैरह में है कि वो अपना 40-40 और कोई आगे जलाने के काम के बच्चों वर्गों को भी काम आता है। इस तरीके का कोई सिस्टम यहाँ लागू हो किसानों को कुछ राहत मिलेगी, ठीक से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, और एग्रीमेंट सर इतने महंगे है कि किसान इतना सिस्टम नहीं है कि वो एग्रीमेंट खरीद पाएगा, क्योंकि आपके समिति की तरफ से भी कुछ एग्रीमेंट है, लेकिन एक ही एक है क्षेत्र बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक एग्रीमेंट दो तीन एग्रीमेंट है आपके पास बड़े, वो ग्राहक सोसाइटी की तरफ से देते हैं, तो वो भी उसका वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी चलाने के लिए ट्रैक्टर 70-80 लाख चाहिए, किसान के पास ट्रैक्टर भी पुराने ले चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। और मुख्तार वाला नहीं हो पाएगा, और जो भी इनके पास बचा हुआ है, फिनाल भी है अभी, और जो भी इनके पास सीधा जो भी बैगेज बचा हुआ है अभी उसका भी भुगतान पैसा जाना है, 100% पैसा जाएगा, पहले 85-15 का रेशियो था, पीएम साहब ने उसको 100% करा, 100% का भुगतान ही करें किसानों खातों में, और बाकी जो भी अभी सत्र प्रारंभ होगा थोड़ा सा पीछे आपका रहेगा भुगतान, लेकिन ऐसा नहीं है वो सारा सत्र में जो भुगतान अब की बार सत्र में प्रारंभ करेंगे उसका ही भुगतान ही किसानों के उसमें ही करेंगे, नए सत्र में भी करेंगे और पिछले भुगतान में भी करेंगे। मैं आपको बताने आऊँ जो कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट में कोई कमिट नहीं कर पाऊंगी, परसों तक मैं इसका भुगतान करवा दूंगा, इस प्रकार नहीं, जो भी चीजें मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, यही चीजें हाई कोर्ट में भी नहीं कर दूंगी महोदय, ये चीज कार्रवाई की गई है, इस प्रकार कार्रवाई करेंगे। और फिर खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।